नमस्कार दोस्तों, मैं निगुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि आपके जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, सभी क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और ये पक्का आपको आपके एग्जाम में सफलता दिलाने में मददगार साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फर्मी किसका मात्रक है। हर क्वेश्चन के बाद 3 सेकंड तक मैं रुकूंगा, उसके बाद आंसर को बताया जाएगा। देखिए, आंसर पहले आप अपने से करने की कोशिश करिएगा, उसके बाद तो मैं आंसर आपको दिखाई रहा हूं। तो फर्मी किसका मात्रक है, यहाँ पे आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर लंबाई का। फर्मी आपके लंबाई का मात्रक है। इसके अलावा जो आपसे पूछा जाता है, पारशेक या प्रकाश वर्ष या फैंदम, ये सभी आपके किसके मात्रक है, लंबाई के मात्रक है। तो इसको भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभवांतर का मात्रक है। तो चलिए दोस्तों, आंसर देख लीजिए, विभवांतर का मात्रक क्या है आपका, वोल्ट। और इसके अलावा अगर विद्युत प्रतिरोध आपसे पूछ लिया जाए तो इसका मात्रक ओम होता है, और अगर विद्युत आवेश का मात्रक पूछ लिया जाए तो कूलाम्ब होता है। तो इसको भी इन्हीं के साथ याद रखिए ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना होने पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जड़त्व के नियम को और किस नाम से जाना जाता है। आंसर देखते हैं दोस्तों, जड़त्व के नियम को हम लोग गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, ठीक है। और यही जड़त्व का नियम क्या है आपका, न्यूटन का गति विषय प्रथम नियम, यही आपके जड़त्व का नियम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बंदूक से निकली गोली शरीर में घुस जाती है या न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है। चलिए दोस्तों, आंसर देख लीजिए, न्यूटन का गति विषय द्वितीय नियम पे आधारित है। आप लोगों को पता ही होगा कि न्यूटन ने कुल मिला के 3 नियम दिए थे, जिसमें से जो है पहला नियम आपको यहां दिख गया और दूसरा नियम आपने यहां पे देख लिया कि गति का दूसरा नियम, न्यूटन का गति विषय द्वितीय नियम। तृतीय नियम क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। चलिए आइए, पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि जी का मान पृथ्वी पर किस जगह अधिकतम होता है। आंसर देखिए दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा, ध्रुवों पर यह अधिकतम होता है, और अगर न्यूनतम की बात कर ली जाए तो कहां पर होता है, विषुवत रेखा पे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना किस बल के कारण संभव है। तो आंसर देखिए दोस्तों, यहां पर अभिकेंद्रीय बल के कारण ऐसा होता है। और ये क्या होता है दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल, जो बल केंद्र की ओर कार्य करता है और एक समान वृत्ति यानी एक समान वृत्तीय गति करते हुए केंद्र की तरह जो बल कार्य करता है वो आपका क्या होता है, अभिकेंद्र बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौत के कुएं में मोटरसाइकिल का घूमना किस बल के कारण संभव हो पाता है। आंसर देखिए दोस्तों, आंसर है आपके लिए अपकेंद्र बल। देखिए दोस्तों, मैं शुरू से लेकर अंत तक लगभग सभी ऐसे क्वेश्चंस को आपको कराऊंगा जिसके आपके एग्जाम में आने की संभावना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सभी से क्वेश्चन कराए जाएंगे, इसलिए पूरी वीडियो को आप देखिएगा। इस वीडियो में भी आपके लिए सभी से क्वेश्चन लिए गए हैं, फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से और बायो से भी। तो उम्मीद भी करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी और आप इसको लाइक तुरंत कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है। तो आंसर देख लीजिए दोस्तों, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी इस स्पीड से अगर किसी भी चीज को हम लोग आसमान की ओर उछालते हैं तो उसके वापस आने की संभावना खत्म हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गतित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो गतित ऊर्जा का सूत्र क्या है दोस्तों, K=½mv². आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऊर्जा रूपांतरण का नियम किसने दिया था। तो दोस्तों, ऊर्जा रूपांतरण का नियम आपके लिए हेल्मोट्ज ने दिया था। हेल्मोट्ज ने क्या दिया था, ऊर्जा रूपांतरण का नियम, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है। आंसर देखिए दोस्तों, फादर ऑफ केमिस्ट्री आपके लिए लेवासियर को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो जो एल कक्षा होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या आपकी 8 होती है। इसी प्रकार के में अगर बात की जाए तो 2, एम में बात की जाए तो 18 और एन में बात की जाए तो 32 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को क्या कहा जाता है। तो आंसर देखिए दोस्तों, यहां पर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को हम लोग द्रव्यमान संख्या के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसको क्या कहेंगे। तो आंसर देखिए दोस्तों, ऐसे जो है जो तत्व होते हैं इनको हम लोग समस्थानिक कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो सक्रियता को नापने की इकाई क्या है। आंसर देखिए दोस्तों, रेडियो सक्रियता को नापने की इकाई क्या है, क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अमोनिया बनाने की हैबर विधि में क्या उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो आंसर देखिए दोस्तों, ये लोहे का जो चूर्ण होता है वो यहां पर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।
यदि किसी द्रव को नीले लिटमस पे डालने से वह लाल हो जाता है तो वह क्या है? तो आंसर देखिए दोस्तों, आंसर है आपके लिए वो आपका अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए प्रयुक्त मशीन किस अभिक्रिया पर कार्य करती है? आंसर देखिए दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा आपके, अम्ल क्षार अभिक्रिया पे वो मशीन कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैली किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, द्रव का ठोस में विलयन। द्रव का जब ठोस में विलयन बनाया जाता है तो उससे आपकी जैली बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएच का पूरा नाम क्या होता है? आप लोगों ने पीएच मान सुना होगा, तो पीएच का पूरा जो नाम है वो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधे के जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अगर पौधे के जीवाश्मों के अध्ययन की बात की जाए तो उसको हम लोग पैलियोबॉटनी बोलते हैं। दोस्तों जितने भी लोग आज मेरे साथ यहाँ पे नए जुड़े हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं कहूंगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर ले, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो आपके लिए डालूं उसके अपलोड होने का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ प्लीज जरूर शेयर कर दिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैवाल, कवक, जीवाणु आदि का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो आंसर देखिए दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा, थैलोफाइटा के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे भूमि से जल का अवशोषण किस विधि द्वारा करते हैं? तो आंसर देखिए दोस्तों, पौधे भूमि से जल का अवशोषण परासरण विधि द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बीजपत्री पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? तो दोस्तों जो एक बीजपत्री पौधा होता है उसमें आपकी अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिब्रेलिन की खोज किसने की थी? तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, कुरोसावा ने जिब्रेलिन की खोज की थी। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंघाड़ा फल का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो जो सिंघाड़ा फल होता है उसका खाने योग्य भाग उसका बीज पत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा है उसका नाम है आपका यूकेलिप्टस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंवले में कसैलापन किस कारण होता है? तो जो आंवले का कसैलापन है उसके अंदर उपस्थित टैनिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यावसायिक कृषि को क्या नाम से जाना जाता है? तो ऐसी जो कृषि होती है इसको हम लोग ओलेरी कल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर देखिए दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपका, देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी है, ये कटक में नहीं स्थित है, ये आपका कहाँ है, शिमला में है। ठीक है, इसमें ये गलत लिख गया है आपका, ये आपका कहाँ है, शिमला में। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मानव के पाचन तंत्र में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम है? तो मानव के पाचन तंत्र में पाए जाने वाले जीवाणु को क्या बोलते हैं, ई कोलाई बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरीसृप और स्तनधारी के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है या किसे कहा जाता है? तो आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर प्रोटोथीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुगनू रात्रि में चमकते हैं यह कीट में उपस्थित किस रसायन के कारण होता है, यानी क्या चीज उसमें उपस्थित होता है जिसके कारण वो आपको चमकता हुआ दिखाई पड़ता है? तो आंसर यहां पर आपका हो जाएगा ल्यूसी फेरे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि रॉबर्ट हुक की पुस्तक का क्या नाम है? तो रॉबर्ट हुक की जो पुस्तक थी उसका नाम था माइक्रोग्राफिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के शक्ति का केंद्र किसे कहते हैं? तो कोशिका की शक्ति का केंद्र क्या है आपके लिए, माइटोकॉन्ड्रिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, डेली अगर आप केवल 10 मिनट मेरी वीडियो के साथ देंगे तो ये मैं आपसे कह रहा हूं कि 100% आप 99 क्वेश्चन हमेशा आप जो है 100 out of 99 सही करके आएंगे कोई भी एग्जाम में। देखिए ये होगा क्या आपका, जब आप इस क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन करेंगे तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठने लगेंगी, और जैसे ही ये दिमाग में आपके सामने जो है क्वेश्चन आएगा तुरंत ही ये चीजें आपको क्लिक करेंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बस केवल आपको क्या करना है, डेली 10 10 मिनट आपको मेरी वीडियो के साथ बिताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर RNA की संरचना में नाइट्रोजन क्षार थाइमिन की जगह क्या होता है? वहां पे थाइमिन नहीं होता है, उस थाइमिन की जगह आपका यूरेसिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी का क्या नाम है? तो मानव शरीर में उपस्थित जो सबसे बड़ी मांसपेशी है उसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस, और ये कहाँ पाई जाती है, तो कूल्हे की मांसपेशी है, ये कूल्हे में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समसूत्री विभाजन कितने चरणों में पूरा होता है? तो
तो आंसर देखिए दोस्तों, समसूत्री विभाजन में टोटल मिलाकर के 5 चरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मानव मुख में स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाले एंजाइम का क्या नाम है। तो दोस्तों मानव मुख में जो एंजाइम पाया जाता है टाइलिन, जो स्टार्च को किसमें माल्टोज में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आंसर देखिए दोस्तों, आंसर आपके लिए हो जाएगा यकृत। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई सुधार की जरूरत है तो उसका सुझाव आप जरूर दें, और आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।